गया, देखो देखो वो आ गया। सुपर हीरो, इस नाम को सुन के हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि एक इंसान जिसके पास अनोखी शक्तियां है उसे हम सुपर हीरो कहते हैं, है ना? इसके अलावा भी सुपर हीरो के नाम सुनते ही हमारे मन में एक नाम सबसे ज्यादा आता है, क्या है वो नाम? सुपरमैन। ये नाम हमारे मन में आए भी क्यों ना बोलो? क्योंकि हम बचपन से ये नाम सुन सुन के ही बड़े हुए हैं। जैसे कि हम सुपरमैन की ओरिजिन के बारे में जानते ही है कि कैसे उसके पास इतना ताकत आया, लेकिन आपके मन में भी कभी ये ख्याल नहीं आया है क्या कि अगर हम भी किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो क्या हमारे पास भी सुपरमैन की तरह शक्तियां आ जाएगा? चलो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इससे पहले कि आप इमेजिन करना शुरू करो कि आप भी हमारे अर्थ को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पर जाके सुपरमैन बन गए हो, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सुपरमैन एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। सो उसके क्रिएटर सुपरमैन को कुछ भी, लिटरली कुछ भी पावर दे सकता है, और हर पावर को कॉपी करना इम्पॉसिबल है। सो मैं आज इस वीडियो में उन्हीं सब पावर के बारे में बात करूंगा जो हमें भी मिल सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा पावर नहीं। जैसे कि इमोर्टलिटी, बेशक वो इमोर्टल नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत दिनों तक जी सकता है। मैं सुपरमैन के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसा टाइप की कोई पावर नहीं। हम आज कुछ रियल पावर के बारे में बात करेंगे जो हमें भी मिल सकता है, लेकिन पृथ्वी पे नहीं, किसी दूसरे ग्रह पे। अब बोलो किस पावर से शुरुआत करें, शुरुआत किससे करें? चलो फ्लाइंग एबिलिटी से ही शुरुआत करते हैं। ये क्या है? ये जो सुपरमैन हवा में उड़ता है, शू शू करके उड़ता है ना, उसी से हम शुरुआत करते हैं कि हम भी कैसे उड़ सकते हैं हवा में। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं ये पृथ्वी की बात नहीं कर रहा। किसी दूसरे ग्रह पर अगर हम जाएंगे तो हमें भी ऐसा पावर मिलेगा या नहीं, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सो याद रखिएगा दोस्तों, सुपरमैन का ग्रह मतलब सुपरमैन का होम प्लैनेट क्या था? क्रिप्टोन। उस ग्रह का ग्रेविटी पृथ्वी से करीब 20% ज्यादा था, और सुपरमैन का असली माता पिता क्रिप्टोनियन था। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या सुपरमैन का हिस्टोरी बोल रहा हूँ, कि सुपरमैन कौन था, उसका माता पिता कौन था, लेकिन रुको जरा, सबर करो। असली बात तो यहाँ से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? क्योंकि उसके माता पिता क्रिप्टोनियन था, इसीलिए सुपरमैन भी एक क्रिप्टोनियन है, और उसका बॉडी भी क्रिप्टोन का ज्यादा ग्रेविटी सहने के लिए बना हुआ होता है। जब वो अर्थ पे आता है तब अर्थ की ग्रेविटी कम होने के कारण वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप खड़े हो, आपके कंधों पे हमने एक 20 kg वेट का एक सामान रख दिया। जब चलोगे थोड़ा महसूस होगा ना आपके कंधों पे जो भार है, उसके बाद जब हम आपके कंधों से वो भार निकाल लेते हैं तब आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो ना। ठीक ऐसा ही केस सुपरमैन के साथ भी होता है कि उसका प्लेनेट उसके लिए बहुत भारी है, और अर्थ की इसी कम ग्रेविटी के लिए वो उड़ पाता है, मतलब हवा में फ्लोट कर पाता है। उसको फ्लोट नहीं करेंगे, उड़ना ही कहेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी के लोगों के बारे में। दोस्तों सुनो, आप लोग सिंपली ये जान लीजिए कि अगर किसी ग्रह का ग्रेविटी पृथ्वी से कम हो तो वहां आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। एग्जाम्पल के लिए मार्स को ही ले लो, ये जो मंगल ग्रह है उसको ही ले लो, वहां का ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए जब आप वहां जाओगे तब आप मंगल ग्रह पर बहुत ऊपर तक छलांग लगा सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने छलांग की बात की है, उड़ने की बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कमबख्त मार्स हमें उड़ने नहीं देगा। रुको, इतनी जल्दी निराश मत होना, क्योंकि अब बात करते हैं कहाँ हम उड़ पाएंगे। मन में लड्डू फूटा ना ये सुन के? तो सुनो, मेरे नज़र में एक प्लैनेट है, सॉरी इसको प्लैनेट नहीं, इसको मून कहते हैं, मतलब ये हमारा ये वाला मून नहीं, ये किसी दूसरे ग्रह का मून है जिसमें शायद हम उड़ पाएंगे। वो कौन सा मून है? वो है शनि ग्रह का मून टाइटन। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे,
ऐसे ही बात करते हैं ना, मंगल पे शनि भारी। ये बात 100% सच है, क्योंकि ये कंबक मार्स हमें उड़ने नहीं देगा और शनि हमें उड़ने देगा। शनि नहीं, उसका जो मून है टाइटन, वो उड़ने देगा। एक ही बात हुआ ना, शनि का मून और शनि, एक ही बात हुआ। तो हो गया ना, मंगल पे शनि भारी। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, अगर हम मंगल पे उड़ नहीं पाएंगे, ऊंची ऊंची सलंग लगा सकते हैं, तो हम ये टाइटन पे कैसे उड़ पाएंगे? सबर करो, सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दरअसल टाइटन का ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले कम होने के साथ साथ टाइटन का डेंसिटी भी पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा है। अब आप सोच रहे हो कि ये डेंसिटी से भला क्या होगा, है ना? तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास दो पानी का बोतल है, एक खाली बोतल, एक पानी भरा हुआ बोतल। अब आप इन दोनों बोतल को पानी में फेंक दीजिए, दोनों बोतल को एक साथ पानी में फेंक दो, कौन सा बोतल पानी में डूब जाएगा और कौन सा बोतल तैरेगा, बोलो? ऑब्वियस सी बात है, ये जो खाली बोतल है वो तैरेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी का जो डेंसिटी है उसके मुकाबले ये जो खाली बोतल है उसका डेंसिटी कम है। ठीक इसी तरह टाइटन ग्रह का घनत्व या बोले तो डेंसिटी और ग्रेविटी कम होने के कारण आप वहाँ शायद उड़ पाओगे, मेरा मतलब है फ्लोट कर पाओगे। ये नहीं पता मुझे कि कैसे आप आगे जाओगे वहाँ पे, लेकिन हाँ आप फ्लोट कर पाओगे। सुपरमैन जैसा आगे जाता है, घूमता है, वैसा कर पाओगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप फ्लोट कर पाओगे हवा में। ये तो पहला हो गया कि आपको कैसे ये जो सुपरमैन उड़ता है जैसे, वो शक्ति आपको भी कैसे मिल सकता है। अब किसके बारे में बात करें, चलो अब बात करते हैं ये जो सुपरमैन का जो स्ट्रेंथ है, कि वो सुपरमैन कितनी भारी भारी चीज़ें उठा सकता है ना, कितनी भारी भारी, एक बास को भी वो एक हाथ से उठाता है। क्या आप भी उठा सकते हो? जी हाँ, लेकिन पृथ्वी पे नहीं। कैसे? सब ग्रेविटी का कमाल है। सुपरमैन का ये जो फ्लाइंग और जो स्ट्रेंथ, ये दो शक्तियाँ का जो जरिया है वो है ग्रेविटी। जहाँ ग्रेविटी कम होगा वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ आप बलवान हो जाओगे। ये जो स्ट्रेंथ है इसको मैंने शॉर्टकट ही निपटा दिया, क्योंकि फिर से वो ग्रेविटी के ऊपर वो बक 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 करके आपको तंग नहीं करूँगा। शॉर्टकट में समझा सकते थे इसलिए शॉर्टकट में समझा दिया। वैसे ही बात बढ़ाने का क्या फायदा, जो हम 2 सेकंड में कर सकते हैं उसको हम 2 मिनट तक क्यों खींचे। सुपरमैन का ये 2 ही शक्ति है जो हमें मिल सकता है। इसके अलावा जो शक्तियाँ है जो है क्या क्या है, हीट विजन, सुपर स्पीड, बायो इलेक्ट्रिक ऑरा, एक्सरे विजन, इनवर्नेबिलिटी, ये जो शक्तियाँ है इनको कॉपी करना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप इन सुपर पावर के पीछे का साइंस जानना चाहते हो तो बैठे क्यों हो, कमेंट खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करो। लेकिन हाँ, गाली मत देना गाली मत देना, गाली के लिए कमेंट बॉक्स नहीं है। आपको सुपरमैन का जो शक्ति है, हीट विजन जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो शक्ति है, इनके पीछे का साइंस अगर जानना है तो ही कमेंट करना। और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर, समझ गए ना आप? अब लोगों को क्या करना है। वाह बढ़िया, आप तो सब कुछ समझ आते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, यही पे रुक जाते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर बात करने बैठा आप लोगों से। करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।